देशातील हिंदुत्वांचा बुलंद आवाज उत्तर प्रदेशचे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जाहीर प्रचार सभेचे आयोजन 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी दुपारी तिवसा तालुक्यातील गुरुकुंज मोझरी येथे वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज महासमाधीला लागून असलेल्या प्रांतात भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना महायुतीचे तिवसा मतदारसंघ 39 उमेदवार राजेश वानखडे यांच्या प्रचारार्थ करण्यात आले होते. तिवसा मतदारसंघातून भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना महायुतीचे उमेदवार राजेश वानखडे हे निवडणूक रिंगणात आहे. राजेश वानखडे यांच्या प्रचारार्थ गुरुकुंज मोझरी येथे योगी आदित्यनाथ यांच्या उपस्थितीत विशाल जाहीर सभा पार पडली. या जाहीर सभेला नागरिकांची अलोट गर्दी झाली होती. राजेश भाऊ तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है असा घोषणांचा गजर करत प्रचार सभेला सुरुवात झाली. या सभेमध्ये राजेश वानखडे प्रताप अडसड चंदू यावलकर माजी खासदार नवनीत राणा शिवराय कुलकर्णी दिनेश सूर्यवंशी आदींची भाषणे झाली. गेल्या 25 वर्षापासून एकच व्यक्ती तिवसा विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीचे सुख उपभोगत असून 25 वर्षाच्या कारकिर्दीत मात्र तिवसा मतदारसंघाचा विकास शून्य आहे. जो विकास झाला तो फक्त पर्सेंटेज घेण्याकरिता आहे असे यावेळी राजेश वानखडे आपल्या भाषणात म्हणाले. 25 वर्षापासून या विधानसभा मतदारसंघावर एकाच घराण्याचं राज्य आहे. त्यांची हुकुमशाही, त्यांची गुंडशाही, त्यांची हिटलरबाजी संपवण्यासाठी मी या निवडणुकीत माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, अमितभाई शाह, जे पी नड्डाजी यांनी माझ्यावर विश्वास टाकला, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, बावनकुळे साहेब यांनी मला उमेदवारी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. आपण सर्वांनी या मतदारसंघात होत असलेल्या अन्यायासाठी ही धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीची लढाई आहे. या जनशक्तीच्या लढाईत आपण एक जनआंदोलन उभं करून या मतदारसंघात या काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करूया. यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी यह राष्ट्रधर्म का चुनाव है, काँग्रेस ने देश में आतंकवाद नक्षलवाद बढ़ाया, बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे. 500 वर्ष बाद अयोध्या में दिवाली मनाई गई, काशी मथुरा भी हमारा इंतजार कर रही है. यह राष्ट्रधर्म का चुनाव है जो देश के विरुद्ध है, हमारे विरुद्ध है, अशी तोफ दागून तिवसा विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार राजेश वानखडे व मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार चंदू यावलकर तसेच धामणगाव विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार प्रताप अडसड यांना भरघोस मतांनी निवडून आणण्याचे आवाहन केले. या सभेला माजी मंत्री अनिल बोंडे, माजी खासदार नवनीत राणा, प्रताप अडसड, उमेश यावलकर, राजेश वानखडे, शिवराय कुलकर्णी, दिनेश सूर्यवंशी सह संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील व तिवसा तालुक्यातील भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना महायुतीचे पदाधिकारी व सदस्य तसेच वर्धा नागपूर यवतमाळ येथील भाजपा कार्यकर्ते आले होते. 2017 में मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना. 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए. और अगर फिर से एक रहेंगे तो मथुरा भी और काशी भी इंतजार कर रहा है. और हम लोग इसीलिए बार बार कहते हैं कि लड़ो नहीं और बंटो नहीं. ये लड़ाने वाले, ये बांटने वाले लोग कभी आपके साथ कभी खड़े नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं खड़े होंगे. मैं देख रहा था यहां पर अमरावती में जब श्रीमती नवनीत राणा यहां पर हनुमान चालीसा के लिए भी संघर्ष कर रही थी. हमारा सब कुछ देश के लिए होना चाहिए, जो देश के हित में है वो हमारे हित में है, जो देश के विरुद्ध है वो हमारे भी विरुद्ध है.
और इसी संकल्प के साथ हम सबको महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को भी लेना है। अगर देश के हित में महायुति गठबंधन की सरकार आनी है तो हर हाल में आनी है, हर हाल में लानी है, और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री राजेश वानखड़े जी आपके बीच में, यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर दिया है। रामचंद्र मुंदाने, विदर्भ न्यूज, तिवसा।